नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जीके स्टडी में। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे कुछ जीके ट्रिक्स के बारे में, जो कि आपके स्टेट लेवल का एग्जाम हो चाहे नेशनल लेवल का एग्जाम हो उसमें हेल्पफुल रहेगी। चाहे आप हिमाचल स्टेट से हैं या फिर किसी और स्टेट से हैं, स्टेट एग्जाम सभी में होते हैं, या फिर आप कोई नेशनल लेवल का एग्जाम फिलअप कर रहे हैं, तो उसके लिए अगर आप इस जीके ट्रिक्स की वीडियो को देखते हैं तो आपके लिए वो एग्जाम में हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आगे आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या कौन कौन सी ट्रिक्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि यहां पर इग्नोर कर लीजिएगा थोड़ा, कि जहां पर थोड़ी राइटिंग में गलती होगी हो, जैसे यहां पड़ोसी पे बिंदी, यहां पाकिस्तान पे ये आना था, तो देख लीजिएगा एक बार, बाकी आपको समझ आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले ट्रिक किसके लिए है कि भारत की स्थल सीमा पर पड़ोसी देश, यानी कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं। देखिए अगर तो आपको क्वेश्चन आता है, देखिए अगर आपको क्वेश्चन ऐसे आता है कि भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, ठीक है, तो पड़ोसी देश हमारे हैं 8, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि भारत की सीमा कितने पड़ोसी देशों के साथ रखती है, तो वो है 7। इसका रीजन क्या है, देखिए 7 तो ये हो गए, ठीक है, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ठीक है, ये हो गए हमारे 7 जिनके साथ भारत की सीमाएं लगती है, सीमा लगती है। अब 8 की एक श्रीलंका भी है, ठीक है, जो हमारा 8वां पड़ोसी देश है वो श्रीलंका भी है, बट श्रीलंका के साथ भारत की सीमा नहीं लगती है। तो अगर बात आती है कि भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, तो वो है हमारे 8, ठीक है, जो भारत के साथ है, और सीमा जिनके साथ लगती है, ठीक है, वो उनके साथ लगती है हमारी 7, वो जो हैं वो हैं 7 हमारे, ठीक है। तो श्रीलंका थोड़ा अलग है क्योंकि मन्नार की खाड़ी, ठीक है, इसको अलग करती है भारत से, ठीक है, आपको पता ही होगा। तो यहां पर जो बात करेंगे हम ट्रिक की, वो करेंगे कि भारत की जो सीमा है वो कौन कौन से पड़ोसी देशों के साथ लगती है, ठीक है। तो पड़ोसी देश जो अगर आपसे सिंपल याद रह सकते हैं, आप रख सकते हैं अगर, तो वो है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, ठीक है, भूटान और अफगानिस्तान, तो ये है पड़ोसी देश, ठीक है। अगर आपको सिंपल याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है। अब इसके लिए हम ट्रिक्स क्या यूज करेंगे इनको याद रखने के लिए, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। तो मैप में भी आप अगर एक तो सिंपल सा भी होता है कि आप मैप का यूज कीजिए, ठीक है। तो अगर आप मैप का यूज करते हैं तो आपको किसी ट्रिक की जरूरत नहीं। देखिए यहां पर पाकिस्तान आ गया, ठीक है, सॉरी इसको एक बार मैं इरेज कर देता हूं। देखिए यहां पर पाकिस्तान आ गया, ये पाकिस्तान, ये हमारा चाइना, ये हमारा नेपाल, ये हमारा भूटान इसके साथ लग रहा है, यहां पर फिर हमारा बांग्लादेश लग रहा है, और ये लग रहा है हमारा म्यांमार, ठीक है। अब अफगानिस्तान, ये है अफगानिस्तान हमारा, तो यहां से देखिए थोड़ा सा अटैच हो रहा है अफगानिस्तान, ये जो पोर्शन है ये अफगानिस्तान का है, ठीक है। यहां से हमारे पास पाकिस्तान लग गया, चाइना लग गया, नेपाल लग गया, तो एक आप याद रख सकते हैं मैप से भी, ठीक है। दूसरी बात करेंगे ट्रिक की कि कैसे आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, तो जो ट्रिक है वो है हमारी बचपन में MBA किया, ठीक है, सिंपल सी ट्रिक है, सिंपल याद रखना है आपको एक अपने दिमाग में कि बचपन में MBA किया, ठीक है, MBA किया था बचपन में ही। तो ब से हमारे पास हो गया बांग्लादेश, ठीक है, च से हमारे पास चीन, ठीक है, याद रखना है बांग्लादेश, बांग्लादेश या बांग्लादेश जो भी होता है, बांग्ला या बंगला, ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, ठीक है, और फिर न से नेपाल, ठीक है। मे है जो ये, यहाँ पे मे हमारा साइलेंट रहेगा, ठीक है। फिर MBA है जो, एम से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान, ठीक है, और किया हमारे पास साइलेंट। तो हमारे पास ये है कि बचपन से बनेगा और MBA से बनेगा, मैं और किया हमारे पास साइलेंट रहेगा, ठीक है। अगर मैं सिंपल सा आपको एक और बार दिखा दूं कि आपको बचपन से ट्रिक बनानी है और MBA से ट्रिक बनानी है, मैं हमारा साइलेंट है और किया भी हमारा साइलेंट है, ठीक है। तो ब से हमारे पास बांग्लादेश आ गया, ठीक है, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, ठीक है, एम से हमारे पास आ गया म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान, ठीक है। तो आप एक से दो बार अगर इसको करोगे, अपना लिख के प्रैक्टिस करोगे, तो वो आपको याद आसानी से हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन आता है इसमें कि जो सीमा है वो कौन से देश के साथ सबसे ज्यादा लगती है, ठीक है, सबसे ज्यादा किस देश के साथ लगती है, तो वो लगती है बांग्लादेश के साथ। सबसे ज्यादा जो भारत की सीमा लगती है वो बांग्लादेश के साथ लगती है, जो कि लगती है 4096 किलोमीटर, ठीक है, और सबसे कम लगती है अफगानिस्तान के साथ, आई थिंक 80 किलोमीटर के करीब, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है, देखना कि क्या बात है कि अगर आप, मैं आपको दिखा दूं मैप के थ्रू, ठीक है, तो देखिए
अगर आप बात यहाँ देखिए अफगानिस्तान की सबसे कम लगती है थोड़ी सी, तो 80 ही अप्रोक्स इतनी ही होगी 80 किलोमीटर। बाकी आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि तो सबसे ज्यादा लगती है बांग्लादेश की और सबसे कम लगती है जो वो लगती है अफगानिस्तान की। बाकी आप एक ट्रिक बचपन में एमबीए किया इसको याद रखिए तो आपको कभी भी भूला नहीं पाओगे इसको कि कौन सी देशों की सीमा मतलब कौन कौन सी देशों की सीमा लगती है भारत के साथ। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं ट्रिक्स टू रिमेम्बर, ठीक है, ये इंग्लिश में थोड़ी मैंने ऐड कर दिया ताकि इंग्लिश में इजीली याद रहे। ट्रिक टू रिमेम्बर टाइप ऑफ टैक्सेस, ठीक है। अब जीएसटी के ऊपर वैसे भी बहुत कुछ हुआ है, ठीक है, आपको भी पता है जीएसटी एक मेन टॉपिक रहा है। तो टैक्सेस के बारे में कि कौन कौन से टैक्स लगते हैं, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, ठीक है। तो आपकी आप इनके बारे में पढ़ सकते हो नेट से क्या होता है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। यहां पर हम बात करेंगे कि डायरेक्ट टैक्स के अंदर कौन कौन से टैक्स आते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर कौन कौन से टैक्स आते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स की, ठीक है। तो ट्रिक है इसकी, अब आप कोई भी साइट यूज करते हो तो आपको साइट आसानी से याद रहती है, ठीक है, कोई भी साइट आप यूज करते हो तो यहां पर आपको याद रखना है विप्रो, ठीक है, wepro.co.in, ठीक है, ये आपको साइट याद रखनी है, सिंपल सी साइट याद रखनी है आपको wepro.co.in। अब वी से क्या है, WE से वेल्थ टैक्स, ठीक है, प्रो से हमारे पास प्रॉपर्टी टैक्स, CO से हमारे पास कॉर्पोरेशन टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स, और IN से इनकम टैक्स, ठीक है। तो आप इजिली बता सकते हैं कि डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर कौन सा टैक्स आता है। ये क्वेश्चन एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू जिन एग्जाम्स के होते हैं उनमें भी पूछा जाता है बहुत बार कि डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर कौन कौन से टैक्स आते हैं या इनडायरेक्ट के कौन से आते हैं। तो अगर आपके माइंड में याद है कि wepro.co.in यानी कि वी से हमारे पास वेल्थ, PRO से प्रॉपर्टी, CO से कॉर्पोरेशन या कॉर्पोरेट टैक्स, IN से इनकम टैक्स, ठीक है, तो आपको उसका फायदा होगा। अब अगली बात करते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्स की, ठीक है। इनडायरेक्ट की टैक्स की जो ट्रिक है वो है एक्सक्यूज मी, ठीक है, ये तो आपने बहुत बार वर्ड सुना होगा कि एक्सक्यूज मी। तो यहां पर इसको इस तरह से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, तो EX से आगे हमारे पास एक्साइज टैक्स, CU से हमारे पास आ गया कस्टम टैक्स, SE से आगे हमारे पास सर्विस टैक्स, M से आगे हमारे पास मार्केट टैक्स वेट जिसको, ठीक है, मार्केट टैक्स, और E से आगे हमारे पास एंटरटेनमेंट टैक्स, ठीक है। तो इससे आप याद रख सकते हो कि कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं और कौन कौन से डायरेक्ट टैक्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप इजीली याद कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो पूछा जाता है फुटबॉल कप पूछे जाते हैं ट्रॉफी, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास दिया डुरंट कप कौन से खेल से संबंधित है या संतोष ट्रॉफी कौन से खेल से संबंधित है, तो आपको पता होगा तो आप इजीली लगा देंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर ट्रिक बताऊंगा जो कि आप उससे याद आसानी से रख सकते हैं। तो जो ट्रिक है फुटबॉल कप और ट्रॉफीज याद करने की वो है रोस में आकर, ठीक है, याद, अब ये मत भूलिएगा कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है, थोड़ी आपको ट्रिक बनानी है, अगर आप अपने तरफ से कुछ बना सकते हो तो वो आपके लिए अच्छी रहेगी। तो ट्रिक है रोस में आकर सूंड से आम तोड़े, ठीक है, सिंपल सी ट्रिक है, आपको एक नहीं दो बारी में याद हो जाएगी। तो यहाँ पर रोस आपको फिर अलग अलग डिवाइड कर देना है, ठीक है, मैं यहाँ पर साइलेंट रहेगा, ठीक है, और से भी यहाँ पर साइलेंट रहेगा, ठीक है। तो और आकर जो भी आपने एक तरह से बनाना है, ठीक है, मेन जो इसमें है वो है हमारे पास रोस, सूंड और आम, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ ये है कि रोस, सूंड और आम। अब आपने कोई भी अगर अपनी तरफ से आप ट्रिक बना रहे हो, ठीक है, तो आपने इन तीनों को उसमें ऐड करना है, ठीक है, कोई भी ट्रिक बना रहे हो उनमें आपको रोज को भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, सूंड को भी और आम को भी, बाकी आप बीच के कुछ भी सेंटेंस बना सकते हो। तो आपको ये जो है ये हमारे पास है इनको आप हम ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, ये साइलेंट रहेंगे, ठीक है। तो रोज से हमारे पास रोवर्स कप, स से संतोष ट्रॉफी, सू से सुब्रतो कप, सुब्रतो कप, और ड से दुरंड कप, आ से आशुतोष कप, और म से मरडेगा कप, ठीक है। तो ये जो सारे कप हैं ये हमारे संबंधित हैं फुटबॉल से, ठीक है। तो आई होप आपको इजी रहेगा, ठीक है, अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगती है तो आप इसको यूज कीजिए, नहीं तो आप खुद से कोई भी बना सकते हैं इन तीनों को यूज करके, ठीक है, रोज, सूंड और आम, ठीक है। अब थोड़ी बात करेंगे हम, बात कर लेते फुटबॉल के बारे में, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं फुटबॉल से। तो फुटबॉल का जन्म इंग्लैंड में हुआ, ये आपको सभी को पता होगा, 1857 में इंग्लैंड में विश्व का पहला फुटबॉल क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब का गठन हुआ था, ठीक है। तो जो इंग्लैंड का जन्मदाता कहा जाता है, ठीक है, तो वो कहा जाता है इंग्लैंड, मतलब फुटबॉल का जो जन्मदाता कहा जाता है वो इंग्लैंड को कहा जाता है, इंग्लैंड में हुआ, ठीक है। और जो क्लब था सबसे पहला फुटबॉल क्लब वो था शेफील्ड,
ठीक है, 1857 में जिसका गठन हुआ था। भारत में फुटबॉल अंग्रेजों द्वारा लाया गया था, ये आपको पता ही है। भारत का पहला फुटबॉल क्लब डलहौजी क्लब था, ठीक है। तो भारत का देखिए, अगर तुम विश्व की बात करें कि पहला क्लब कौन सा था, तो वो था शेफील्ड, ठीक है, शेफील्ड। और अगर भारत की बात करें तो डलहौजी क्लब था। विश्व की सबसे बड़ी फुटबॉल संस्था इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन फीफा है, ठीक है, जिसका मुख्यालय फ्रांस में है, ठीक है। सबसे बड़ी संस्था आपको फीफा पता ही होगी, ठीक है, मैचेस भी होते हैं, तो और जो इसका मुख्यालय है वो है फ्रांस में, ठीक है, तो मुख्यालय जरूरी है। फीफा द्वारा आयोजित विश्व कप फुटबॉल की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है। पहला विश्व कप फुटबॉल 1930 में उरुग्वे में आयोजित किया गया था, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। पहला विश्व कप जो फुटबॉल का मतलब आयोजित किया गया था, वो किया गया था हमारा 1930 में, जो किया गया था उरुग्वे में, ठीक है। इसे प्रति 4 वर्ष बाद आयोजित किया जाता है, ठीक है, तो डिस्टेंस जो टाइमिंग डिस्टेंस होता है वो होता है 4 वर्ष, यानी कि 4 वर्ष बाद फीफा आयोजित किया जाता है। 2014 का जो फुटबॉल विश्व कप ब्राजील में आयोजित किया था, जिसका विजेता जर्मनी था, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि 2014 में जो कप आयोजित किया गया था फुटबॉल विश्व कप, ठीक है, वो किया गया था ब्राजील में, ठीक है, और जिसका जो विनर था वो था जर्मनी। और अगला जो 2018 में सोच रहे हैं वो है रूस में, ठीक है, ये रूस के लिए प्रस्तावित है। तो ये थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जो आपको हेल्पफुल करेगी, क्या पता कहीं से भी क्वेश्चन निकल के आ सकता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा और वीडियो पसंद आ रही होगी। तो नेक्स्ट बात करते हैं हॉकी कप। ऐसे ही हॉकी, फुटबॉल और हॉकी दो मेन ऐसे गेम है जो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसकी जो ट्रिक है वो है यहां पर हमारे पास कि महाराणा आगा खां रंग बांटे ध्यानचंद इंदिरा नेहरू संघ, ठीक है। एक तरह से आप याद रख सकते हैं, महाराणा आगा खां रंग बांटे ध्यानचंद इंदिरा नेहरू संघ, ठीक है। तो ये ट्रिक थोड़ी अटपटी सी है, ठीक है, बट आपको याद तो रखनी होगी। तो महाराजा से याद रखिए, ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह कप, आगा खां से आगा खां कप, रंग से रंगास्वामी कप, बांटे से बेटन कप, ध्यानचंद से ध्यानचंद कप या ध्यानचंद, इंदिरा से इंदिरा कप, नेहरू से नेहरू कप और संघ से सिंधिया कप, ठीक है। तो अगर आप इस ट्रिक को याद कर लेते हैं तो आपको ये सारे आसानी होगी फाइंड आउट करने में कि कौन से कप हॉकी से रिलेटेड है या ट्रॉफी हॉकी से रिलेटेड है, ठीक है। तो नेक्स्ट आप थोड़ी इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए हॉकी का पहला संगठित क्लब जो 1861 में स्थापित ब्लैक हीथ एबी एंड क्लब था, ठीक है। तो जो सबसे पहला हॉकी का क्लब था वो था ब्लैक हीथ एबी एंड क्लब है, जो कि 1861 में स्थापित हुआ था, ठीक है। हॉकी की जो सर्वोच्च संस्था है वो है FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, ठीक है, जिसकी स्थापना 1884 में की गई थी। ओलंपिक में सर्वाधिक 8 बार हॉकी का खिताब भारत ने जीता है, ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये आपसे पूछ सकते हैं भारत ने कितनी बार हॉकी का खिताब ओलंपिक्स में जीता है, तो वो 8 बार। हॉकी का पहला विश्व कप 1971 में खेला गया था, तब से प्रति 4 वर्ष बाद आयोजित किया जाता है। 1971 के बाद पहली बार 1971 में खेला गया था, उसके बाद 4 वर्ष बाद आयोजित किया जाता है, ठीक है। अवधि आपको पता ही होगा 70 मिनट की होती है। अगला विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट 2018 में भारत में प्रस्तावित है, ठीक है। तो मैंने आपको फुटबॉल का भी बता दिया, हॉकी का भी बता दिया, तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल, ठीक है, कौन कौन से देशों के कौन कौन से राष्ट्रीय खेल। कई बार आ जाता है कि कहां ये वाला खेल कहां कौन से देश से रिलेटेड है, ये वाला खेल कौन से देश से रिलेटेड है। तो यहां पर आपको थोड़ी सी लाइन पढ़नी होगी, ठीक है, याद रखिएगा और इंजॉय के साथ पढ़िएगा। देखिए स्पेन में हुई जब सांड की लड़ाई, अमेरिका ने बेसबॉल अपनाई, ठीक है, जब कान में लगा ठंडा, ऑस्ट्रिया इंग्लैंड ने उठा लिया डंडा, रूस ब्राजील और फ्रांस फूट फूट कर रोए, यह देख भारत पाकिस्तान खूब हंसा। तो अगर आप इसको ऐसे भी बोलोगे तो याद रहेगा, देखिए स्पेन में हुई जब सांड की लड़ाई, अमेरिका ने बेसबॉल अपनाई, जब कान में लगा ठंडा, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ने उठा लिया डंडा, रूस ब्राजील और फ्रांस फूट फूट कर रोए, यह देख भारत पाकिस्तान खूब हंसा, ठीक है। तो पहले भी बचपन में भी हम बहुत सी ऐसी स्टोरियां याद करते थे, तो अब आगे आपको कैसे याद रखना है, ठीक है। आप वैसे आपको यहां से पता ही लग गया होगा, पर आपको याद कैसे रखना है, देखिए स्पेन हमने जो पीछे पढ़ा था, स्पेन में हुई सांड की लड़ाई, तो सांड की लड़ाई स्पेन का गेम है, अमेरिका का है बेसबॉल, कनाडा का है आइस हॉकी, जो हमने ठंडा पढ़ा था, ठंडे से याद रखना है आइस, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया डंडा, डंडा हमने कहां पढ़ा था, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने उठा लिया डंडा, आप एक बार पीछे देख सकते हो, देखिए ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ने उठा लिया डंडा, ठीक है, डंडा ठंडा फूट फूट, ठीक है, और हंसा याद रखना है आपको इसमें। अब देखिए डंडे से याद रखिए बैट, तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का जो है वो है क्रिकेट, रूस का फुटबॉल फुट फुट से याद रखिए फुटबॉल, ब्राजील का भी फुट और फ्रांस का भी फुट, जैसे पीछे लाइन थी कि रूस ब्राजील और फ्रांस फुट फुट कर रोया, और भारत और पाकिस्तान हंसा से हॉकी याद रखिएगा।
तो इस तरह से आप याद रखोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा और आपको इंटरेस्ट भी आएगा, ठीक है, एक तरह से, बट और आपके लिए एग्जाम पे भी बेनिफिट रहेगा। और अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य देशों की जिनके लिए कुछ अलग है, ठीक है। तो भूटान के लिए, भूटान का जो है वो तीरंदाजी है, चीन का टेबल टेनिस है, जापान का जूडो है, मलेशिया का बैडमिंटन है, बांग्लादेश का कबड्डी है और श्रीलंका का वॉलीबॉल है। उस ट्रिक के अलावा आपको इनको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप उनको याद कर लेते हो तो इनको आपको याद करने में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। ये वीडियो सिर्फ एक ही एग्जाम के लिए नहीं है, ठीक है, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो उसमें इसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। तो आई होप आपको पसंद आई होगी, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, कोई भी चार्ज नहीं है, मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस ही मिलेगा। बाकी अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे व्यूज आते हैं तो मैं आपके लिए और भी बहुत सी ट्रिक्स लेके आऊंगा जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। तो थैंक यू सो मच, बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।